ओबीसी महासभा, ऑल ओवर इंडिया की ओबीसी महासभा चंद्रशेखर भाई के साथ पूरा समर्थन है हमारा, और युवा जो है बहुजन समाज का पूरा युवा उनके साथ है। और जिस तरीके से उनके ऊपर जो अटैक हुआ, जानलेवा हमला हुआ, ये बहुत ही निंदनीय है और उसका कहीं ना कहीं पूरे देश में बहुत आक्रोश है। आज सारे ओबीसी महासभा पूरे देश से, आज ओबीसी महासभा चंद्रशेखर के भाई चंद्रशेखर जी के साथ है, दलितों का नेता कहा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ नंदिनी। नजारा दिल्ली के जंतर मंतर का है, जहां लाखों की तादाद में भीम सेनानी आज पहुंचे जंतर मंतर कूच करके। एक बड़ी आवाज को बुलाया गया था कि 21 जून को तमाम जो भीम आर्मी के लोग हैं वो यहाँ इकट्ठा होंगे 21 जुलाई को चंद्रशेखर जी पे जो हमला हुआ था उसको लेकर। हम इनसे जानेंगे सर, जिस हमले को लेकर आप लोग यहाँ आए आज, आपकी क्या मांग है सरकार से? हमारी मांग है कि चंद्रशेखर भाई को सुरक्षा दी जाए जेड प्लस श्रेणी में, और हम उसके साथ हैं, उन लोगों के उन चंद्रशेखर भाई के साथ हैं, पूरी ओबीसी महासभा, ऑल ओवर इंडिया की ओबीसी महासभा चंद्रशेखर भाई के साथ पूरा समर्थन है हमारा, और बहुजन समाज के लोग पूरा समर्थन है उनका। हम लोगों यही है, हमारी मांग यही है सरकार से कि उसको जेड प्लस सुरक्षा दी जाए चंद्रशेखर भाई को। हमलावरों की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, हमलावरों की गिरफ्तारी तो इनको करनी पड़ी है, मजबूरी में इन लोगों ने करनी पड़ी है, नहीं ये भी नहीं होता, क्योंकि बहुजनों की ताकत को मालूम है उनको, ओबीसी महासभा की ताकत को मालूम है, क्योंकि हमने समर्थन पूरा दिया है ओबीसी महासभा का चंद्रशेखर भाई को। आप ये देख सकते हैं जो यहाँ पे पोस्टर हाथ में लेके ये लोग आए हैं ओबीसी महासभा दिल्ली, यानी कि चंद्रशेखर जी के साथ ओबीसी महासभा भी जो है वो पूरी तरीके से अपना समर्थन दे रही है। हमारे साथ एक सर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से हमला हुआ, आरोपी भी पकड़े गए, अब आप लोग यहाँ पर कूच करके क्यों आए हैं? देखिए, हमारा उद्देश्य नहीं है अपराधी को पकड़ा जाएगा, मैं चाहता हूँ अपराधी को जो जायज सजा मिलनी चाहिए वो भी मिलना चाहिए। दूसरी, भाई चंद्रशेखर आजाद को जेड प्लस सुरक्षा की हमने मांग की है, तो सरकार को अभी तक ये सुनाई नहीं दिया कि एक समाज का, एक तबके का, एक बहुजन समाज का योद्धा जो पूरे देश में आज युद्ध कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है मनुवादी विचारधारा से, मैं चाहता हूं कि उन सभी उस भाई को पूरी तरीके से सुरक्षा मिल जाए। ओबीसी समाज भी चंद्रशेखर जी के साथ है? बिल्कुल बिल्कुल, आज सारे ओबीसी महासभा पूरे देश से, आज ओबीसी महासभा चंद्रशेखर के भाई चंद्रशेखर जी के साथ है। दलितों का नेता कहा जाता है? सॉरी, क्या उन्हें सिर्फ दलितों के नेता कहा जाता है? नहीं नहीं नहीं, वो बहुजन लीडर है, वो दलितों के लीडर नहीं है, जो बहुजन लीडर है और बहुजन विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि बहुजन विचारधारा को जो दबाते हैं उनको पूरी तरीके से हम जैसे उखाड़ने का काम करेंगे। क्या लग रहा है, हमले के जरिए कहीं ना कहीं आप लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई थी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूं कि जिन लोगों ने जो हमारी आवाज को दबाने का काम करते हैं, हम चाहते हैं कि उनको हम जड़ से उखाड़ने का काम करेंगे। ये हमारी पूरी ओबीसी महासभा के साथ भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन विचारधारा के जितने साथी हैं सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। जंतर मंतर दिल्ली से एक आवाज जाएगी पूरे देश के लिए, तो मैं चाहता हूं इनको जड़ता सुरक्षा दी जाए। लगातार भीम आर्मी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मैं एक और सवाल लेना चाहूंगी सर, लगातार आप लोगों पे आरोप लग रहे हैं कि ये जो पूरी घटना ये प्रायोजित भी थी। देखिए, जो जिसका जो 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 लोग इस बात को बोलते हैं कि ये प्रायोजित तरीके से है, मैं इस बात को पूरी तरीके से खंडन करता हूँ। भाई चंद्रशेखर, मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को, मैं कहता हूँ जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, केवल गोली लगा के तो देखो पेट में, पता चलेगा आपको कैसे चुनावी स्टंट बोला जा रहा है। चुनावी स्टंट तो ये कर रहे हैं, आप मणिपुर में देखिए, मणिपुर में देखिए जो बहन बेटी के साथ जो अपराध हुआ है, हिंदू मुसलमान का जो दंगा कराने का काम करते हैं, ये करते हैं सुनियोजित तरीके से। बहुजन विचारधारा का कोई भी व्यक्ति भारत के खिलाफ नहीं है, भारत के साथ काम करने वाला आदमी है, और मैं सभी लोग भाई चंद्रशेखर आजाद भाई के साथ हैं, और किसी भी बहुजन साथी के साथ अगर इस तरीके का कोई कृत्य होगा तो मैं चाहूंगा कि उसको फांसी भी दिलवाएंगे हम सब लोग, और जेड प्लस सुरक्षा की उसकी हम मांग करते हैं। लाखों की तादाद में आप लोग पहुंचे हैं और 2024 के इलेक्शंस भी करीब है, क्या लगता है यही समर्थन 2024 में बदलाव करवाएगा? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये तो केवल टेलर है, एक केवल टेलर है, अभी फिल्म बाकी है, और बहुजन समाज के लोग 2024 में भी फिल्म दिखाएंगे, और दिल्ली में जो मनुवादी सरकार है, दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार है, मनुवादियों की सरकार है, मैं चाहता हूं कि इसको भी हम लोग फिल्म दिखाएंगे, ये हमारा पूरा काम है। कह रहे हैं कि 24 में बदलाव देखने को मिलेगा, ये जो पूरा जमावड़ा है ये अपने आप में कह रहा है कि 24 में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, और लोगों से आपकी बातचीत कराते हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम जो लोग हैं ये बॉम्बे से आए, मेरे साथ मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं भीम पार्टी भीम आर्मी के। सर, जिस तरीके से हमला हुआ चंद्रशेखर जी पे, उस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देख रहे हैं? पहली बात तो जो घटना हुआ है बहुत ही शर्मनाक घटना है, जो कि आज देश में जो बहुजन समाज का उभरता हुआ लीडर, आज उनके ऊपर जो जिस तरह से मुट्ठी भर लोग
जो हमला कराने की कोशिश की है उसका निषेध करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और भारत सरकार से हम लोग मांग करने आए हैं कि जो हमला हुआ है उसका CBI जाँच हो और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो उनको Z+ की सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए, इस मांग को लेकर हम लोग आज जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। सर लगातार 28 जून को जब से हमला हुआ आप लोग Z+ सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं, अभी तक Z+ सिक्योरिटी मुहैया नहीं कराई गई। ये BJP सरकार, ये ब्राह्मण बनियों की सरकार है। हम समझते हैं कि हमारे नेता को ये लोग जल्दी से जल्दी सुरक्षा नहीं देंगे, मगर जो नाचने वाले लोग हैं, जो छोटे मोटे लीडर हैं, जो गली के गुंडे हैं, आज उनको BJP सरकार ने सुरक्षा प्रदान की है। मगर आज देश का बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी, आज जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ खड़ा है, इतने बड़े नेता को ये लोग सुरक्षा जानबूझ कर नहीं दे रहे हैं। इस देश का बहुजन समाज आज जागरूक हो चुका है। 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी का काम देखा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से ST ST OBC और हमारे भाइयों बहनों के साथ जो अन्याय जुल्म किया है, उस अन्याय जुल्म का बदला हम लोग 2024 में लेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हम लोग पूरी सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम हम लोग करेंगे। 2000 आप देख रहे हैं कि जो भी लोग हैं उनका कहना है कि संवैधानिक रूप से लड़ेंगे और 2024 में इसका एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पूरी तरफ जो पूरा दिल्ली है वो नीला हो चुका है, तमाम जो भीम सेनानी है वहाँ यहाँ कूच कर जंतर मंतर पे पहुँच रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से ये लोग आ रहे हैं, कोई महाराष्ट्र से आए, कोई राजस्थान से आए, कोई दिल्ली से आए, पूरे भारत से लोग आ रहे हैं। जैसा कि लगातार एक आरोप लगता रहता है कि ये सिर्फ दलितों के नेता हैं, सिर्फ दबे कुचलों के, लेकिन आप लोग भी यहाँ समर्थन देने पहुँचे। हमने देखा OBC महासभा वाले लोग भी समर्थन देने पहुँचे हैं, तो सबका समर्थन उनके नहीं। असलत में क्या है कि कोई भी नेता एक दल का नहीं होता है, जो नेता एक दल का होता है वो आगे बढ़ नहीं सकता। लेकिन आज चंद्रशेखर भाई ने जो अपना जन सैलाब तैयार किया, आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं और हर सर्व समाज के लोग यहाँ पहुँचे हैं उन्हें समर्थन देने के लिए। बड़ी दुख है, दुख की बात है कि उन पर गोली से हमला हुआ और जो हमला है उसके लिए मैं कड़ी निंदा भी करता हूँ उनके लिए। और मैं ये भी मांग करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसा व्यक्तित्व है, उसको Z+ की सिक्योरिटी उनको दी जाए। केंद्र सरकार को इसके लिए बहुत सोचना पड़ेगा, इसके लिए उनको देनी पड़ेगी, झुकना पड़ेगा सरकार को। ये जनसैलाब अपने आप में बता रहा है कि चंद्रशेखर जी की कितनी लोकप्रियता है लोगों के बीच में। ऐसे नेता पे गोली चलना, सर किस तरीके से देख रहे हैं आप? वही मैं कह रहा हूँ ना कि सरकार आँख नीचे बैठी है, सरकार की जो व्यवस्था है वो चरमरा गई है, सरकार की कानून व्यवस्था ऐसे चरमरा गई है। प्रत्येक समाज का व्यक्ति आज इस सरकार से परेशान है, इसलिए आज आप देख लीजिए कि आज लाखों की संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन के लिए, विरोध अपना दर्ज कराने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। सरकार की जो व्यवस्था है वो चरमरा रही है, लॉ एंड ऑर्डर चरमरा रहा है, वहीं दूसरी ओर UP सरकार हमेशा ये कहती नजर आती है कि उनके आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी सुधर गया है। ऐसा नहीं है, वो मुंह देखा लॉ एंड ऑर्डर है, जो कुछ लोग ऐसे हैं मुस्लिम समाज के हैं उन पर लॉ एंड ऑर्डर काम करता है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो धुल जाते हैं दूध में, आज वो क्रिमिनल है। यदि भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो जाते हैं तो वो दूध से धुल जाते हैं, उनके पास कोई एलिगेशन नहीं होता है। तो आप कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी चला जाता है उसके वो आरोप मुक्त हो जाता है? आरोप मुक्त हो जाता है, तो आरोप लगाने जैसा होगा? नहीं, आरोप मुक्त हो जाता है वो। ये आरोप तो है, ये मैं नहीं लगा रहा है, पूरा देश लगा रहा है इस बात को। चलिए, मेरे साथ कैलाश मासूम जी भी मौजूद हैं जो कि बॉम्बे में रहते हैं और आज वो भी समर्थन देने आए चंद्रशेखर जी को। सर, इस पूरी घटनाक्रम को आपने किस तरीके से देखा और इतनी दूर से आप भी समर्थन देने आए हैं, तो आखिर क्या वजह रही कि वो ये घटना आपको यहाँ तक खींच लाई? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो बहुजन समाज के सबसे संघर्षशील लीडर हैं आज के डेट में, और युवा जो है बहुजन समाज का पूरा युवा उनके साथ है, और जिस तरीके से उनके ऊपर जो अटैक हुआ, जानलेवा हमला हुआ, ये बहुत ही निंदनीय है और उसका कहीं ना कहीं पूरे देश में बहुत आक्रोश है उस घटना को लेकर के। चाहे वो कोई भी पार्टी का है, कोई भी संगठन का है, बहुजन समाज के बच्चा उस घटना को लेकर के आक्रोशित था। और पहली बार चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ये अपील की थी कि मैं बुला रहा हूँ सबको और सबको आना चाहिए, तो मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से लाखों की संख्या में यहाँ लोग आए हैं, तो ये जो जंतर मंतर है ये तो पूरा भर चुका है, और जो पूरा एरिया बाहर का भी है वो भी पूरा खचाखच भर चुका है। तो मुझे लगता है कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर जमा हैं और उनको जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, और Z+ सुरक्षा आज़ाद शेखर भाई को मिलना चाहिए, क्योंकि आज वो अकेले नहीं हैं, करोड़ों दलितों का वो नेतृत्व कर रहे हैं और कहीं ना कहीं करोड़ों दलित समाज के लोगों की उम्मीदें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि आज जो मनुवादी तत्व हैं, जो मनुवादी लोग हैं, उनको ये समझ में आ जाएगा कि आगे से कोई भी इस तरह की घटना करने से पहले वो हज़ार बार सोचेंगे और फिर इस तरह की कोई वो हिम्मत नहीं करेंगे। आज इस तरीके से बहुजन समाज के लोगों ने उनका साथ दिया है
और लाखों की संख्या में लोग यहाँ आए हैं, तो मैं उनका भी धन्यवाद अदा करता हूँ और पूरा सपोर्ट करने के लिए मैं चंद्रशेखर भाई के साथ खड़ा हूँ। कैलाश मासूम जी, जैसा कि आप देख सकते हैं हजारों लाखों की तादाद में पूरे जंतर मंतर पे लोग भरे हुए, जगह नहीं है और लोगों की आवाजाही लगातार जारी है नीले गमछे के साथ। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सिर्फ भीम कार्यकर्ता यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर अलग अलग लोग भी हैं, अलग अलग पार्टी भी हैं, अलग अलग दल भी हैं जो उनको समर्थन देने आ रही, तो क्या लग रहा है ये समर्थन एक समूह बनाकर 2024 में एक बड़ा बदलाव कर सकता है? नहीं, बिल्कुल बदलाव करेगा। और जिस तरीके से शेखर भाई ने केवल अपने समाज की लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने हर वर्ग की लड़ाई लड़ने का प्रयास किया है, चाहे वो हमारे महिला पहलवानों की बात हो, चाहे जितने भी अत्याचार हुए हैं तरह तरह के, उन्होंने हर जगह जाकर के लोगों की आवाज़ बुलंद की है। तो मैं समझता हूँ कि जो चंद्रशेखर आज़ाद भाई हैं वो सबके नेता हैं और इसीलिए हर संगठन के लोग, हर पार्टी से जुड़े हुए लोग उनको समर्थन करने के लिए आए हैं और 2024 में आज़ाद समाज पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। यानी कि 2024 में आज़ाद समाज पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, और जितने भी लोगों से हमने बातचीत की उनका यही कहना है कि 24 में एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। तो इसी तरीके से जनता के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहिए द जनता लाइव के साथ।